में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। वक्त हो चला है दिन भर की खास खबरों का, तो आइए रुख करते हैं, देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें हमारे न्यूज बुलेटिन में। दिन 8 नवंबर 2022 उत्तर प्रदेश के मेरठ से मखदूमपुर के कार्तिक मलिक सुरक्षा में देर रात शराब पार्टी के बाद गैंगवार में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। बड़ी खबर है मेरठ से, जिसमें एक गैंगस्टर की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, घटना मेरठ के थाना हसनापुर क्षेत्र के मखदूमपुर मेले की है, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लोग गंगा पूजन के लिए घाट पर जाते हैं और ऐसे में शराब पार्टी के बाद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच जमकर फायरिंग हुई। दो आपराधिक गुटों के बीच फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद करीब आधा दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग किए गए। घटना में दो लोगों को गोलियां लग गई है। गैंगस्टर कोशिंदर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोशिंदर नाम के इस व्यक्ति पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जिन दो गुटों के बीच फायरिंग हुई उन पर भी कई दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अपराधियों की शिनाख्त में लगी हुई है। इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि परिवारजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एक आरोपी हिरासत में भी ले लिया गया है। साथ ही इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि वारदात में कौन लोग शामिल थे और सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। बहरहाल पुलिस ने नामजद एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश में जुट गई है। कोशिंदर कहाँ से आ रहे थे? क्या हुआ? थाना क्षेत्र हस्तनापुर में एक व्यक्ति जिसका नाम कौशिंदर पुत्र सुहास निवासी अलीपुर मोरना है, वो गोली लगने से घायल हुआ था। तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें नामजद अभियुक्तों में से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो मृतक है इसके ऊपर लूट, हत्या का प्रयास और गैंगस्टर जैसे 16 मुकदमे पंजीकृत हैं। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। के सबसे कुख्यात थानों में से एक लिसाड़ी गेट में कई हथियार फैक्ट्री के बाद पुलिस सेक्शन मोड में नजर आ रही है। आज सुबह से ही पुलिस ने अपराधियों का वेरिफिकेशन शुरू किया है। मैं आपको बता दें, 300 से ज्यादा अपराधियों के वेरिफिकेशन के लिए 150 पुलिस कर्मियों की 24 टीम लगाई गई है, जिसके दिन निकलने से पहले ही पुलिस अपराधियों के घर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपियों के घर हड़कंप मच गया। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां कुख्यात अपराधियों का बसेरा माना जाता है। इस थाना क्षेत्र में अपराधियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। हाल ही में पुलिस ने इसी थाना क्षेत्र में दो हथियार फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसके बाद कई लोगों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन जब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, इलाके के सीओ अरविंद चौरसिया ने सुनियोजित तरीके से अपराधियों की वेरिफिकेशन की रणनीति तैयार कर डाली। आज सुबह दिन निकलने से पहले ही पुलिस अपराधियों के घर पहुंच गई। कुछ अपराधी अपने घर पर ही मिल गए, जिन्हें गिरफ्तार करके थाने लाया गया। वहीं अपराधियों के घर पर पुलिस की दबिश से हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो जो अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार है, उनकी फहरिस्त तैयार की गई है, जिसके आधार पर उनके घर पर दबिश दी जा रही है। उन अपराधियों का स्टेटस खंगाला जा रहा है, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो और वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। आज थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट में अपराधियों का एक बृहद सत्यापन अभियान चलाया गया है, जिसमें नगर क्षेत्र की कुल 24 टीमों के द्वारा प्रतिभा किया गया है। इसमें 150 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल है। अभियान के दौरान 300 से अधिक अपराधियों के घरों पर जाकर पुलिस टीम के द्वारा सत्यापन किया गया, जिसमें 185 अपराधी मौजूद मिले हैं।
जिन्हें थाने लाकर प्रॉपर डोजियर भराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न थाना क्षेत्रों से वंचित चल रहे 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य फरार अभियुक्तों के विषय में जानकारी की जा रही है, उनके विषय में आगे जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वर्तमान में कहां पर है और क्या काम कर रहे हैं।